2492 अषाढ़ व तेज मंगलवार तारीख 5/7/66 ना दिने पूज्य श्री कांजी स्वामी नो श्री योग स्वाना श्लोक 71-72-74 ऊपर स्वर्ण परिवार प्रवचन सवन प्रवचन नंबर 24 नमो नोए सौरियंताणम नमो नोए सौरियंताणम नमो नोए सौरायिरियां नमो नोए सौजयानम नमो नुहि सौ त्रिकालवती श्रावणम ओंकार मिंदु संयुक्त नित्यं जयंती योगिन कामद मोक्षदं श्री ओंकाराय नमो नमः मंगलम भगवान मंगलम रूपम मंगलम कुंकुंडारी उजेन्द्र मोक्ष मंगल नमः सुनरसाराय स्वानुभूत्या तथा सिद्धि स्वाय भवाय त्रिकाल निरसन जाता योग सार शास्त्र चलते हैं। एक सौ एकोतेर श्लोक है। क्या कहते हैं? उनको पाप जाने वही ज्ञानी है। पाप को तो पाप सब कहते हैं। आत्मा में जो अशुभ भाव हिंसा झूठों चोरी विषय भोग वासना वो तो पाप को तो पाप सब कहते हैं। धर्मी जीव अपना शुद्ध स्वरूप की दृष्टि होने से अपना आत्मा शुद्ध ज्ञानानंद स्वरूप ऐसा श्रद्धा में अनुभव में लिया है वो कारण है। धर्मी जीव तो दया दान व्रत भक्ति तप का जो शुभा होता है उसको भी पाप मानते हैं। नया अपुण भाव को भी पाप मानते हैं धर्मी, क्योंकि पुण्य है बंध का कारण। जैसा पाप भाव बंध का कारण है ऐसा पुण्य भाव भी बंद का ही कारण है। दो ही झेर है, दो ही आकुलता है। जो शुभ भावों से न अशुभ भावों से दोनों से विरक्त रहते हैं धर्मी। धर्मी जीव इसको कहते हैं कि आत्मा आनंद नहीं ज्ञान स्वरूप है, भंडार भगवान भरो आत्मा। उसकी श्रद्धा न दृष्टि होने से आत्मा का स्वभाव से विपरीत जितना अशुभ के अशुभ भाव है तो अशुभ भाव जैसा बंद का कारण है ऐसा शुभ ही बंद का ही कारण है। एकांत है ये जो क्या एकांत होता है कहते जो कर्म क्षय कारक आत्मानंददायक कर्म क्षय कारक आत्मानंददायक एक शुद्ध उपयोग को ही मान करते हैं। आया आत्मा पवित्र आनंद शुद्ध चिदानंद मूर्ति है। जेवो सिद्ध स्वभाव परमात्मा का जेवा सिद्ध स्वभाव ऐसा आत्मा का अंदर स्वभाव पूर्ण शुद्ध है। उसकी दृष्टि करके धर्मात्मा एक राग रहित पुण्य पाप का भाव रहित अपना शुद्ध स्वरूप का शुद्ध आचरण को ही हितकर मानते हैं। समझाया कि कर्म क्षय कारक ने आत्मा आनंददायक उन पाप का भाव बंधकारक है तो भगवान आत्मा शुद्ध स्वरूप का उपयोग शुद्ध उपयोग कर्म का क्षय कारक है। उन पाप का भाव बंधकारक है तो अपना आत्मा का शुद्ध स्वभाव का शुद्ध उपयोग रूपी आचरण व्यापार वो कर्म क्षय कारक है। शुभ ने शुभ भाव दुखदायक है तो आत्मा
आनंद ने शुद्ध भाव स्वरूप उसका शुद्ध उपयोग ये आनंद आया है, उपयोग आनंद आया है। समझ में आया? उपयोग आनंददायक है। अपना आत्मा में शुद्ध उपयोग करना पुण्य पाप से रही, क्योंकि पुण्य पाप का अभाव बंधकारक है, तो आत्मा का स्वभाव उसकी श्रद्धा ज्ञान का शुद्ध उपयोग वो कर्म क्षय कारक है। शुभाशुभ भाव दुखदायक है, तो आत्मा शुद्ध आनंद स्वरूप उसका अंतर शुद्ध व्यापार शुद्ध उपयोग आनंददायक है। समझ में आया? जानू नहीं आमा मेरा फल जुदा किसान एक नु पाप ने एक नु पुण्य पर बंधन बे बेदुख रूप एक मंदा कुर्ता तीव्रा कुर्ता एक फेर पर बेदुख रूप पची कड़ाको थोड़ो कहो कि संयम दृष्टि अविरति होने पर भी धर्मी जीव अपना शुद्ध चैतन्य मूर्ति की जिसको रुचि दृष्टि ने परिणमन है, मैं शुद्ध आनंद हूं उसकी दृष्टि है, उसकी दृष्टि पुण्य पाप पर नहीं। तो कहते हैं ग्रस्त में धर्म अर्थ काम पुरुषार्थ साधन में अनुरक्त रहने पर भी सब शुभ शुभ कार्यों को चारित्र मुनि उदय के आगे होकर करता है, इतने थाय थे हम, परंतु सर्व काम को अपना आत्मिक हित नहीं मानता। जीव शुभ शुभ भाव आते हैं होता है, पर उसमें अपना हित मानते नहीं। समझ में आया? वह तो मानता है निरंतर आत्मिक भाग में रमन करूं। धर्मी की दृष्टि तो शुद्ध आत्मा की दृष्टि ऊपर है, तो आत्मा आनंद स्वरूप सीध समान उसकी दृष्टि हुई और धर्मी अपना आत्मा में आनंद में रमण करूं ऐसी उसकी भावना हो। पुण्य पाप भाव होता है, उसमें रहूं टकूं ऐसी भावना नहीं। मैं विचारता का ही सेवन करूं, कैसे लोग आत्मा तो वितराग स्वरूप ही त्रिकाल है, उसकी एकाग्र होकर मैं वितराग भाव की सेवा करूं, पुण्य पाप की सेवा नहीं होता है। पुण्य पाप सेवा करने लायक, रखने लायक, हित करने लायक नहीं। सिद्धों से ही प्रेम करूं, नो पाठ सिद्ध स्वरूप अपना एमा प्रेम करूं, अपना सिद्ध समान, सिद्ध समान सदा पद मेरो। आत्मा का सिद्ध स्वरूप शुद्ध द्रव स्वभाव त्रिकाल शुद्ध है, उसमें प्रेम करूं, पुण्य पाप में प्रेम न करूं ऐसी दृष्टि होती है। कटाई के उदय को आत्मवीर की कमी से सहन नहीं कर सकता है। क्या कहते हैं? साय का उदय आता है तो अपनी पुरुषार्थ की कमी से सुबह सुबह होता है, सुबह सुबह होता है, पर ये आत्मवी की कमी से होता है। सर्व ही ग्रस्त योग काम करता है, परंतु उनमें आसक्त मगन नहीं होता। पूजा पाठ परोपकार दानादि कार्य को करके पुण्य बंध संसार इंद्रिय सुख नहीं चाहता। अज्ञानी तो पुण्य करके इंद्रिय सुख चाहते हैं, पुण्य का फल मिलो, स्वर्ग मिलो, अपेक्षा दूर मिलो। धर्मी की दृष्टि अपना शुद्ध आनंद स्वरूप ऊपर है, पुण्य होते छते पुण्य का बंध ने पुण्य का फल की चाहना है नहीं। आया? वह तो कर्मरे दशा की उत्साह उद्यमी रहता है। यद्यपि शुभ भावों का फल पुण्य का बंध है, शुभ भाव होता है दया दान भक्ति व्रत पूजा यात्रा, ऐसा शुभ भाव का फल पुण्य बंध है,
तथापि ज्ञानी उसको भी पाप के समान बंदे ही मान जानता है ना। अपना शुद्ध स्वरूप जिससे बंधन में आ जाए ऐसा भाव को हित कर क्यों माने। भगवान आत्मा शुद्ध आनंद स्वरूप महाभंडार पड़ा है, उसकी शुद्धता एकाकार प्रकट करके उसमें हित कर माने। उनका भाव को क्यों हित कर माने, दुखदायक में बंध का कारण में हित कर क्यों माने। समझ में आया, धर्मी निर्वाण का प्रतीक है। ज्ञानी आत्मा का शुद्ध स्वरूप की दृष्टि वंत रुचि वंत वो तो मुक्ति का प्रतीक है, बंध का संसार का प्रतीक नहीं, संसार ना पंथ का लेने वाला नहीं। अपना शुद्ध स्वभाव की दृष्टि वो कारण वो तो मोक्ष का प्रतीक है, स्वरूप में एकाग्र होकर बंधन से छूटने का प्रतीक है, बंधन न करने का प्रतीक है नहीं। समझ में आया, मात्र नीचे रत्न त्रय स्वभाव में धर्म को स्वानुभव को उपाधि ग्रहण योग मानता है, पुण्य को भी पाप के समान जानकर छुड़ाना चाहते है। शुभ भाव आते हैं पर जब पाप छोड़ने लायक है ऐसे धर्मी पुण्य की छोड़ने लायक मानते हैं। भारे कठिन जगत में धर्म कर्मों पर धर्म केम था उसकी खबर नहीं। वेद वर्ग था पाप ने धर्म पुण्य तीजों हतूत के दी पुण्य धर्म पाप एक अधर्म बस नाखला को समझता। मोक्ष के अर्थी को सर्व ही कर्म त्यागने चाहिए। जिसको आत्मा का पवित्र धर्म प्रकट करना है और पूर्णानंद मोक्ष जिसको प्राप्त भावना है उसको तो सर्व पुण्य पाप भाव छोड़ने लायक है। सर्व ही कर्म का त्याग आवश्यक है तब वहाँ पुण्य पाप की क्या कथा है। ज्ञानी के भीतर सम्यक दर्शन आदि अपने स्वभाव को लिए हुए कर्म रहित भाव में तन्मय रूप शांत से पूर्ण मोक्ष का कारण है ऐसा आत्मज्ञान स्वयं विराजता है। धर्मी की दृष्टि में तो आत्मा का ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान स्वरूप का ज्ञान राग पुण्य पाप का और कहीं आत्मा का ज्ञान है नहीं। एको त्रिमोही पुण्य को भी पाप ज्ञान ही मानते हैं। समझ में आया, आई तो पुण्य पाप जी पुण्य ही क्षेत्र रहने तो उसको माने का बहुत धर्म कर दिया। अरे पुण्य कर्म सोने की बेड़ी है कहते हैं जो बहुत तेज पुण्य भाव सोने की बेड़ी है, स्वर्ण स्वर्ण पाप लोहे की बेड़ी पुण्य सोने की बेड़ी है दो ही। बेड़ी तो कायम रहे अंदर सोलवाई ने लोटा ने बेड़ी तो थोड़ी खेत में हजारों दी रहे आ तो कायम रखे हटती आम नाम बेड़ी साइकी नान पकमान आ नहीं बड़ी बेड़ी से हूं क्या है हटती पहले हटती मूर्ख दिखाए जो वो 5,000 का हार है सोना का हार है कड़ा है कड़ा में यहाँ सिंह का मोटा है सिंह ने मोटे में हीरा कह दिया है हीरा लगाया है वो तो खुशी होता है बेड़ा बेड़ी पैर कर रोना बेड़ी पैर तो ना का नहीं नहीं वहां तो कहते हैं कि पूर्ण सोने की बेड़ी है मानते नहीं वो पंजा में आ गया बेड़ी में बंधन में आ जाते हैं तो पुण्य के आत्मा तो भगवान पुण्य पाप से रहित है उसकी उसको खबर नहीं। जोहमिया नियर भूत सोनमिया जानी जीसु असुर परिचय विहवंती हुनानी। हे पंडित बुद्ध आचार महाराज योगिंद्र देव दिगंबर संत वनवासी है वनवासी दिगंबर संत वो कहते हैं हे पंडित जीव
ये जीव पंडित ने बुलाया है। पंडित तो इसको कहते हैं कि सुमन लोहे की बेड़ी वैसे स्मरण की बेड़ी ऐसा समाज, तो तुम पंडित है, विवेकी है, तब तुम जीव है। समझ में आया? पाप का भाव लोहे की बेड़ी, पुण्य का भाव सोने की बेड़ी, दोई का बंधन है कि जीव स्वरूप नहीं। तो जीव स्वरूप ही मानने वाला धर्मी को कहते हैं, हे धर्मी पंडित, हे जीव स्वरूप ही आत्मा, तेरे तो पुण्य भाव ने पाप भाव दोई बंधन के सरखा। समझ में आया? जो शुभ अशुभ दोनों प्रकार के भावों को त्याग करते हैं, फिर मैं कहूं कि ऐसा समझ है, समझण में लेते हैं कि पुण्य ने पाप दो ही बंध का कारण है, मेरा आत्म स्वभाव ही शुद्ध आनंद का कारण, मुक्ति का कारण। पीछे छोड़ दे शुभ अशुभ भाव, छोड़ और शुद्ध भाव में आ जा। भगवान आत्मा पूर्ण शुद्ध आत्मा से तो भरा पड़ा है, उसमें आ जा, शुभ भाव को छोड़ दे। परिचय की जाए देवी हवंती नानी, एने ज्ञानी केवा कहने में आता है, छोड़े दृष्टि में तो ज्ञानी कहने में आता है। उन ठीक है पाप ठीक है से माने तब लोग मिथ्या दृष्टि। समझ में आया? अरे बात पूनम आखिरी बात भाई, एक तो पुण्य परेशान अबरू शरीर ठीक नहीं, वो मीठो लगे शहर मीठो लगे शहर मिठोला बैडी छोकरा पैसा कुटुंब हजीरा मकान मकान चार तो पुण्यो जो ने दुनिया में, दुनिया में चार तो पुण्यो जो ने रूड में दुनिया में तुम धर्मी नो ठाक तो अंदर श्रद्धा ज्ञान ने चारित्र आत्मा ना करना और धर्म के साथ है। समझ में आया? सर्वज्ञ परमेश्वर त्रिलोकनाथ तीर्थंकर देव एम परमात्मा है भगवान, तेरी चीज में तो आनंद ने शुद्धता पड़ी है ने, उसकी श्रद्धा ज्ञान ने चारित्र रमणता करना वो ही तेरा साथ है। आ बड़ी साखड़ी है सातों थी सांसड़ी जंगल ने गया गया हमारे राजू भी जारी रही क्या सुन लिया हमारे याद है गुण मन सांसड़ी है भी मोदी में वो हम जाओ मामा कैसे कि शुभ शुभ भाव नो त्याग। शरीर तो जड़ कर्म जड़, ये तो ज्ञेय ज्ञान का विषय, उन पाप का भाव वो भी खरेखर अपनी चैतन्य जाति से भिन्न अचेतन है। उन पाप के भाव में चैतन्य का तेज नूर का उसमें अभाव है। समझ में आया? भगवान परमेश्वर तीर्थंकर फरमाते हैं, अरे धर्मी तेरे जो आत्मा का स्वभाव प्रीति ने रुचि कर हुआ है तो पुण्य पाप को छोड़ दे, दृष्टि में से हित करे पुण्य ने पाप हित करे ऐसा छोड़ दे। समझ में आया? पुण्य पाप करूं दोनों ही बंधन है, पुण्य को सोने की पाप को लोहे की बेड़ी कह सकते हैं, दोनों ही कर्म संसार वास में रोकने वाला है। दोनों बेड़ियों का संगठन होता है तो तोड़ मुंह होते हैं हम जी, तब वह जी स्वाधीन मोक्ष को पाता है। पुण्य ने पाप नो बेनु संगठन इतने एक थी ने टूटी जाए, एकलो भगवान आत्मा शुद्ध रहे त्यारे स्वाधीन होकर आत्मा की मुक्ति होती है। प्रत्येक ज्ञानी को उचित है पुण्य पाप दोनों प्रकार बंधनों को ही समझे, पुण्य ने पाप दो ही भाव को ज्ञानी
यही समझे उसमें एक के उपाय देने के ऐसा है मन कसाय के भाव को शुभ उपयोग। मन कसाय होता है दया दान भक्ति व्रत पूजा यात्रा वांछन श्रवण उसमें शुभ भाव होता है और शुभ भाव मन कसाय है। अरे हिंसा जूठू आदि तीव्र कसाय भावों को शुभ उपयोग कहते हैं। दोनों इसे बंद होता है। दोनों इसे चार घाती कर्म और बंद दोनों उपयोग में होता है। दोनों उपयोग से होता है। क्या कहते हैं? जैसा हिंसा जूठो चोरी क्रोधमान अशुभ उपयोग से घाती कर्म बनते हैं ज्ञानावरणी दर्शनावरणी मोनी अंतराय। ऐसा शुभ उपयोग से भी ज्ञानावरणी दर्शन अंतराय मोनी बनते हैं। समझ में आया? जैसे पाप परिणाम से ज्ञानावरणी दर्शनावरणी मोनी अंतराय बनते हैं ऐसे पुण्य परिणाम से भी चार घाती बनते हैं। शुभ भाव से भी शुभ ज्ञानावरणी बनते हैं। शुभ भाव से दर्शनावरणी बनते हैं। शुभ भाव से मोनी बनते हैं। समझ में आया? चारित्र मोनी बनते हैं कि नहीं? अने अंतराय भी जैसे अशुभ भाव से घाती का बंध है ऐसा शुभ भाव से भी घाती का तो बंध है ही। अघाती में थोड़ा फेर पड़े हो तो भेक में फेर पड़ा और शुभ से अघाती में पाप बनते हैं शुभ से अघाती में पुण्य बनते हैं। वो तो अघाती नाम संयोग में फेर पड़ा उसका स्वभाव में कोई फेर है नहीं। बारहवीं विशाष मानस ने खरेखर तो अतीन्द्रिय सुख की मिठास जब लग न लगे तब लग इंद्रिय विषय का सुख की मिठास उसको नहीं तकती छोड़ती और इंद्रिय सुख की मिठास में शुभ परिणाम की मिठास रहती है। समझ में आया कि शुभ परिणाम मिठास का उसका फल बंध ने उसका फल संयोग ने उसका फल इंद्रिय विषय अतीन्द्रिय आनंद की रुचि सम्यक दर्शन में हो तो उसको इंद्रिय विषय में सुबुद्धि उठ जाती है। तो इंद्रिय का विषय का सुख का कारण ऐसा पुण्य भाव में भी रुचि उठ जाती है। समझ में आया? लांगी बात करी थोड़ी बंदने बात करी उनके फौ से प्राप्त विषय भोग के भीतर फंस जाने से विषयी मानव नर्क निगवादि में चले जाते हैं। ये पुण्यना फौ परमात्मा प्रकाश में कया है पुण्य से वैभव ने वैभव से अभिमान ने अभिमान से नर्क समझे। उसने किया योगेन्द्र देवाचार्य पुण्य से वैभव पुण्य बांधे तो मुझसे क्या हुई वो धूड़ मिले धूड़ धूड़ पैसा आमरून मकान दागिना ठाट माट हाथी न बलद ने घोड़ा ने मूत्र दवे थे वही हाथी घोड़ा बलद पची सुनना पर वही मैं अभिमान हमारे है तुम्हारे नहीं हमारे तुम्हारे दूर की चीजें तुम्हारे और तुम्हारे नहीं अभिमान से नर्क जाओ हेठे उपड़ो। हाँ इन ये पेटियां चेक बना तो देवगति वाले वरुणपति ज्योति दूसरे स्वर्ग पर्यंत के दीव मर के एक अंदरी पृथ्वी जल में वनस्पति का जन्म लेते हैं। देखो पुण्यना स्थल में इंद्रो नु आ देवो ना पद मे अने देव मरी ने एकंद्री में जाए तृष्णा में पुण्य की इच्छा है पुण्य का फल भोगने की भावना है ऐसा मिथ्या दृष्टि एम कहते हैं। ओ भवनपति वंत्र ज्योति देव के बेमारी समझना बाद में स्वर्थ देव समझना नहीं दूसरा स्वर्ग देव एकंद्री पृथ्वी पानी ने वनस्पति मूत भोग जाए बब्बे सागर ने थीति असंख्य अबज वर्ष ने थीति और छोड़कर पृथ्वी में जाए मिथ्या दृष्टि पुण्य की अभिलाषा और उसका फल की अभिलाषा तो मिथ्या दृष्टि मर के एकंद्री में जाए। बीजा देवलोक का देव
इंद्र नहीं। समझ में आया? पानी में जाए वनस्पति उपजे और बारह स्वर्ग तक के दीप पचंदी पशु तक हो जाते हैं। उनका फल की इच्छा इंद्री सुख की इच्छा वाला मिथ्या दृष्टि भले उनका फल में बाहर में स्वर्ग चले जाए पर त्या भी उसकी इंद्री का विषय में लोलूपता है आत्मा का इंद्री आनंद की दृष्टि है नहीं। तो वो भी मरकर पशु में बाहर में स्वर्ग का देवलोक पशु में उपजे। समझ में आया? बाहर में इसलिए यहां आता हूं आत्मदेवलोक से ना जिसके संबंध में ये हम बात में करवाई जाए नौ ग्रह तक के देर मानव जन्मते हैं ये देर से मनुष्य में आवे कैसे पर विषय भोगों की आकुलता तो तृष्णा रोग है यानी तृष्णा रोग थी हो या पुण्य की अभिलाषा से बन गया पुण्य के नाम पुण्य पाप शुभ हुआ बन गया स्वर्ग में चले गए नवमी ग्रह के यहाँ से मनुष्यों के तृष्णा का रोग हुआ। तृष्णा क्योंकि पुण्य की इच्छा थी आत्मा का आनंद की दृष्टि नहीं थी। नवमी ग्रह वाला लिया है ये मिथ्या दृष्टि है ना इसकी बात करते हो। तृष्णा रोग लागू करा है मिथ्या दृष्टि को आत्मभ्रांति सम रोग नहीं ये भ्रांति आत्मा का भूलकर और इंद्रिय का सुख ने पुण्य में प्रीति वो बड़ी भूल ने भ्रांति है। नवमी गृह के गृह शुभ भाव से यहाँ पर से निकलकर मनुष्य हुआ तो वो मिथ्या दृष्टि है इंद्रिय सुख की रुचि है तो तृष्णा का रोग चलो है तृष्णा का रोग लागू पड़ा है। भावना आत्मा की तो है नहीं तो भावना पुण्य की पाप की है कृष्णा का बड़ा रोग पड़ा है कैसे हम उठा चक्रवर्ती आदि तृष्णा में रोगी है हम कहते हैं ऋषा वाला तृष्णा ना रोगी रोगी आश्रया करे चाहे को हे पैसा हे पैसा हे पैसा इंद्रिय सुख ना फो भगवान इच्छा में तृष्णा का रोग लागू पड़ा भटका भटक गरीब मानो जम भटके ने एम भिखारी थी ने लाओ 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 फिल्म में से पैसा लाओ बीजू शू नाटक में से लाओ मकान में से लाओ भाड़ा में से लाओ भाड़ा समझते भाड़ा क्या क्रिया 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 लाओ उसमें से कृष्णा नो रोग हो गयो भगवान आत्मा आनंद का घर है उसकी तो दृष्टि है नहीं तो उसका पुण्य परिणाम की रुचि है कृष्णा का रोग लागू सही लागू पड़े सही रोग आत्मा का शांति का उसमें सही रोग लागू पड़े। रोग से पीड़ित प्राणी घबराकर विषय भोगों में तृष्णा के शमन के लिए जाते हैं भूख करके क्षणिक तृप्ति उस समय पाकर फिर अधिक तृष्णा को बढ़ा देते हैं। दुखों के साधनों में जो आकुलता होती है वैसी आकुलता तृष्णा रूपी रूप के बढ़ने में रहती है। बहने लगाई बहुत कहते हैं कि दुखों ना साधन ना जब आकुलता था जमिया हमें आवे रोग आवे दुखी था इसे आकुलता तृष्णा रूपी रोग के बढ़ने में होती आप तृष्णा रूपी रोग में आकुलता बधे रोग मोटो थे एम कहते हैं क्या किया कि दुखना साधन जम सिंह वाघ जमिया रोग आवे आकुलता था इसे ये रीते आकुलता तृष्णा रूपी रोग के बढ़ने में होती है। तृष्णा रूपी रोग वजहना आकुलता बधे थी आकुलता बधी समझ आया। जीव ने वारंवार देवगति मनुष्य गति के पांच इंद्रिय विषय भोग किए अनंत वार स्वर्ग का भोग लिया नरक का दुख सहन किया मनुष्य का राज पात्मा भी बहुत अनंत बैर जन्मा भोग लिया तृप्ति न हुई तृष्णा की दाह समन न हो सके क्योंकि आत्मा का आनंद की रुचि बिना वो तृष्णा का दाह समन होता नहीं। ज्ञानी जन विषय सुख को ही समझते हैं
मारे धर्मी जीव पांच इंद्रिना विषय सुख ने ये जा करके ये समझते छोड़ने लायक समझते और तो विषय सुख के कारण पुण्य कर्म को ही जानते है एम के मुझे पास समझाई ये विषय सुख ने धर्मी ये जाने तारे विषय सुख ना कारण पुण्य कर्म ही जाने तब पुण्य मन के कारण शुभ उपयोग भी है समझे इन बोल ले लिया। धर्मी इसको कहते हैं कि पांच इंद्री का विषय सुख को छोड़ने लायक जाने पांच इंद्री का विषय को ही जाने तो उसका कारण बंध को भी ही जाने बंध को ही जाने समझ में आया तो पुण्य बंध का कारण शुभ उपयोग को भी तीनों को ही हो गया। जिसने पुण्य विषय तृष्णा इंद्रिय सुख में प्रीति है उसको पाप में प्रीति है उसका फल में प्रीति है तो संबंधन में प्रीति उसकी है। पुण्य में जिसको इंद्रिय विषय का सुख प्रेम है उसका बंध पुण्य हो तो भी ठीक मानते हैं और इसमें पुण्य भाव भी ठीक मानते हैं। इंद्रिय विषय को सुख ही मानते हैं उसको बंध भी ही है पुण्य और उसका भाव सुख भी ही है। क्या किया कबूल किया इंद्रिय विषय को सुख रूप मानते हैं उसको इंद्रिय विषय का कारण बंध जो है उसको सुख रूप मानते हैं उसका कारण भाव को भी सुख रूप मानते हैं। इंद्रिय विषय को सुख रूप नहीं मानते हैं ये मानते हैं तो इंद्रिय विषय का सुख का कारण जो बंध उसको भी ही मानते हैं और बंध का भाव उसको भी ही मानते हैं। आया भाई पदार्थ ने भाई फौ उसमें जिसकी बुद्धि में अधिक दिखते हैं अधिक दिखते हैं तो उसको प्रीति उसमें फल की प्रीति उससे आई तो उसका बंधन का कारण में भी उसको अधिक माना अपना आत्मा का स्वभाव से और बंध का कारण शुभ वो भी अपना स्वभाव से उसको अधिक माना आत्मा को हीन माना आया। क्या किया भगवान आत्मा शुद्ध आनंद स्वरूप है ऐसी जिसको रुचि नहीं उसको इंद्रिय का फल विषय में रुचि है प्रेम है तो उसका बंध रूप बंद पड़ा बंध उसका भी प्रेम है और उसका कारण शुभ भाव में प्रेम है और आत्मा प्रति उसको अप्रेम है और आत्मा प्रति जिसको प्रेम है उसको इंद्रिय विषय सुख प्रति ही बुद्धि है तो उसका बंध कारण बंध में भी ही बुद्धि है और बंध का कारण में भी ही बुद्धि है। समझ में आया मात्र शुद्ध उपयोग की शुद्ध उपयोग की भावना करते हैं जिससे त्रियंश में भी अति इंद्रिय सुख होता है। देखो क्या कहते हैं अरे पशु में पण आत्म श्रद्धा ने आत्म ज्ञान में शुद्ध उपयोग होता है तो उसको भी आनंद आता है। पशु खाने को ये पाई न मिले अनाज की कण न मिले समझ में आया और चार चार पौन रात्रि को चौबिया रात्रि को कोई पानी मिलते नहीं मिलते नहीं आ न करे पण एने तो चार क्योंकि बच्चों छोटू सांसे सौर सुधी पानी का बिंदु नहीं अनाज का कण नहीं और थान फेर नहीं तीन थान भी वो लगा दिया आसन लगा दिया चकला कहते हैं चकला चिड़िया चिड़िया है मोर है पंखी है देखो एक स्थान में बारह घंटा तेरह घंटा बड़ी रात हो या चौथ घंटा देखो आहार का बिंदु नहीं पानी का बिंदु नहीं समझ में आया
हम कहते हैं कि वो स्थान में भी जो आत्मा शुद्ध चिदानंद की रुचि ने अनुभव है और शुद्ध उपयोग का उसको आनंद है। समझ में आया? एवी स्थिति में भी पशु है मेंढक होता है वो भी सम्यक दर्शन पाते हैं। आत्मा है कि नहीं? भगवान का समूषण में तो पशु आदि सब जाते हैं, छोटा मंडलिक भी पार्टन जाते हैं, बड़ा बड़ा मगरमच्छ भी जाते हैं, बड़ा बड़ा सिंह भाग नाग भी जाते हैं। और जहरीला नाग बड़ा हो और एक स्थान में रहा रात्रि को तो फरे बड़ी और आत्मा ठीक न फरे पीछे रात्रि भोजन न करे। आया? जिसको आत्मा का भान हुआ और सम्यक दर्शन आदि हुआ और कोई नाग को तो पंचम नुकसान होता है, आत्मा की श्रद्धा ज्ञान उपरांत शांति की बंटवारी हो जाती है। तो ये नाग चार फ्लोर को बिल्कुल लेते नहीं बाहर जाते नहीं, भी उसमें भी फराग हो निर्दोष को ऐसा मिले एक इंद्रिका आदि तो लेते हैं और अंदर शुद्ध उपयोग में आनंद मानते हैं। आया चक्रवर्ती आदि अब्जोपति शेठी आदि अपना शुद्ध स्वरूप का भान नहीं, श्रद्धा नहीं, ज्ञान नहीं, रुचि नहीं, ये पुण्य पात्मा प्रेम मा प्रेम है रुचि है तो एकला आकुलता को भेजते हैं। वो अब्जोपति शेख आकुलता को मेड़ी में मेड़ी मेड़ी कहते हैं, क्या कहते हैं, मेड़ी में बैठे हिंडोड़े हिचकते हैं, उमाना फांका है, एक ही आकुलता है क्योंकि आत्मा अखिला आनंद उसकी तो रुचि है नहीं, उनका आपकी रुचि थी कि आकुला ही बैठते है तो ये महल में बिराते आकुलता वो पंखी एक में बैठे इतनी छोटा चार में एक दाव पर दो पग लगाकर सारी हाल अंतर में शुद्ध प्रभु आत्मा ज्ञानानंद चैतन्य प्रभु उसकी अनुभव दृष्टि हुई है और पुण्य पाप का भाव को विकार दुख रूप देखकर छोड़ने लायक मानते हैं, स्वभावी आदरने लायक मानकर शुद्ध व्यापार अंतर करते हैं तो वो पशु भी आनंद को वेदते हैं। समझ में आया? और नरक में भी आनंद है समी थी को तो बाहर नारक कृत दुख भोगत आते हैं ना, वो अंदर सुख की घटा घटी नारकी ने घटा घटी ये पीड़ा पीड़ा बाहर संयोग संयोग ये रोग और रोग जन्मे चाहते हैं पीड़ा पीड़ा बाहर में अंतर में आत्मा का शुद्ध श्रद्धा भान अनुभव कर लिया है तो कहते हैं कि आनंद में घटा घटी करते हैं, अतिन्द्रिय आनंद नरक में नहीं लेते हैं, ये आत्मा का शुद्ध उपयोग की दृष्टि के कारण। और अज्ञानी ऐसे महल में बैठे है ब्रागे के सुखी एक आकुलता दुखी है। समझ में आया? तीज में भी लिख लियो कर्मों का क्षय होता है मोक्ष मार्ग से होता है नो यानी कर्म नो क्षय तत्व जाए तीज में और शुद्ध उपयोग में मोक्ष मार्ग तय होता है मोक्ष मार्ग बराबर शुद्ध हो तो जाए शुद्ध उपयोग में ठहरने शक्ति नहीं होने पर ज्ञानी जीव शुभ उपयोग को भरते हैं परंतु पुण्य की इच्छा नहीं रखते हैं। समझ में आया? क्या पशु ज्ञानी ने क्या मिथ्या दृष्टि चेटिया ने मिथ्या दृष्टि देव ही साधु। समझ में आया? जिसको आत्मा का स्वभाव आनंद की रुचि नहीं और पुण्य भाव की प्रीति रुचि है वो नवमी ग्रीविक में पड़े तथा आकुलता को बेचते हैं। कहाँ चढ़ा? आकुलता आकुलता सातवें नरक में नारकी पड़ा है नीचे वो नवमी ग्रीविक सातवें नारकी पड़ा है राजा महाराजा मर गए और बाण हो गया। ओहो संतो ये हमको कहा था
स्वभाव का साधन करने में तुम स्वतंत्र है, बाहर का कोई साधन की जरूरत नहीं। तेरा धर्म का करने में पैसा का व्यय, शरीर का नाश, ऐसी कोई की कुछ बलवंत पुरुष का मदद कहीं जरूर है नहीं, न माना। मैं यहाँ आया नर्क में, ऐसी वेदना ख्यालों को छोड़कर शांत प्रभु आत्मा सप्तमी नर्क में नार की संकीर्ति आनंद लेते हैं बराबर, अने नवमी गृह के मिथ्या दृष्टि जीव दुख भोगते हैं। इसका कारण हेतु एक स्वभाव की दृष्टि नो अनुभव सच्चिदानंद मूर्ति, बस ये अनुभव में आनंद है और अज्ञानी को पुण्य की प्रीति पड़ी है, स्वर्ग में भले चले जाए पर इसके लाखों तक बेहतर है। प्रवचन साधन वास करने पुण्य छे खरु एम के पण पुण्य कारण दुखी छे देव देवाजी कृष्ण के कारण दुखी होता है, भव है पुण्य का अस्तित्व है, उसका फल भी है, दुखी है कृष्णा में बाल निग्रंथि मुख मार्ग है सौतेर बाल निग्रंथि मोक्ष मार्ग है जया मणु निगंथु जीतया तू निगंथु जया तू निगंथु जीव तो लभई शिव पंथु। हे आत्मा जब तेरा मन निग्रंथ है, आ मन में राग की एकता छूटकर गांठी भेद किया है, आत्मा शुद्ध आनंद की दृष्टि किया है, तेरा मन निग्रंथ है। बाहर में बड़े चाहे को पड़ा हो कहते समझ में आया, पहले समय दृष्टि न हो मुनि में तो बाहर समय छूट जाता है, निग्रंथ पर विशेष सृजना। ये आत्मा तेरा मन निग्रंथ है, अंतर में से राग पुण्य पाप की एकता छूटकर तेरा शुद्ध संपदा चैतन्य की एकता हुई और विशेष एकता हुई, भाव से निग्रंथ है तब तुम सच्चा निग्रंथ है, तो साचा निग्रंथ है। बाहर से नग्न हुआ कपड़ा छोड़कर नग्न हुआ वो कि सच्चा निग्रंथ है नहीं, समझ में आया। ये जी जब तुम निग्रंथ है, जो तेरा अंतर स्वभाव पवित्र भगवान आत्मा में प्रीति लग गई है और पुण्य पाप की प्रीति तेरे राग की गांठ की प्रीति छूट गई है, ऐसा जो निग्रंथ है तो तूने मुख मार्ग पा लिया, तेने मुख मार्ग शिव पंथ लभई मोक्ष पंथ तेने प्राप्त हो गया। बाकी सा संबंध भगवान आत्मा पूर्ण शिव स्वरूप प्रभु अने राग आदि दुख रूप और दो का विवेक कर भेद ज्ञान कर लिया और विशेष आत्मा में स्थिरता जम गए, तुम निग्रंथ हो। भाव निग्रंथ है तो भले भाई में निग्रंथ रवि लिख तो आता ही है, पर भाव निग्रंथ है तो तुम शिव पंथ पा लिया, समझ में आया। भाई इकला निग्रंथ होकर भाव निग्रंथ न हो तो कभी आत्मा को लाभ होता ये बताते हैं यहाँ। निग्रंथ पद साधु पद है विशेष लिए, प्रेम का साधन साधु क्यों कहीं आरंभ परिग्रह त्याग कर अहिंसा भी पंचमावर्तों के पास आ सकता है, ठीक है। मूल तो आए मन मां निग्रंथ त्यागी से खरीखर कहना है, संजक दृष्टि पर मन का राग का त्यागी समकित अपेक्षा है वो भी निग्रंथ है, समझ में आया। धर्मी जीव अपना वितराग स्वभाव की रुचि रखते हैं अनुभव में, उसका राग के ऊपर प्रीति है नहीं तो निग्रंथ होगा,
भगवान आत्मा राग बिना का स्वभाव उसकी जिसको अनुभव में प्रीति अनुभव में प्रणति जम गई भाव निग्रंथ है। समझ में आया? उत्तम धर्म ज्ञान प्रत्यय के अंकसाई को ठीक है। जहां तक वस्त्र का ग्रहण है वहां तक परिग्रह का पूर्ण त्याग नहीं है, तो इसे सिद्ध करते हैं। निग्रह का नग्न पे जहां मूर्ख की जगह आते ठीक है, बाद निमित से तो अंतरंग में मन को ग्रंथ रहित करना चाहिए। यो ये अंतरंग में मन को ग्रंथ रहित करना, कल्प जो उठते हैं दयादान का वो भी राग की गांठ है, ये ग्रंथ से भगवान निग्रंथ आत्मा है। आवेदन निग्रंथ हो नियम सर्वं त्याग शुद्ध भाव की कारण निदंडो निगंथो निदंडो आत्मा निवास आत्मा निग्रंथ है, विकार निग्रंथ ही है। उन पाप का विकल्प से रहित निग्रंथ भगवान आत्मा से ऐसा परमात्मा अपना स्वरूप ओहो जिसकी महिमा में अपनी अल्प पर्याय का विकास का भी महिमा नहीं रहती, तो उसमें पुण्य परिणाम ने पाप की परिणाम की महिमा कहाँ सकती है? समझ में आया? ज्ञान में अपना पूर्ण पवित्र प्रभु परमात्मा का अपना निज स्वभाव शुद्ध ज्ञान ज्ञान में जम गया निग्रंथ आत्मा है। वस्तु निग्रंथ है तो उसकी दृष्टि करने वाला भी भाव से निग्रंथ है। समझ में आया? और बाहर नग्न आदि हो पर अंदर में निग्रंथ भाव न हो तो एक पण भाव घटने का लाभ है नहीं। समझ में आया? हाँ, अंतरंग परिग्रह का त्याग होना चाहिए, एना नाम है प्राशन। ठीक है, कैसे मन के भीतर से सर्वमता का रंगदेश का मेल निकालकर फेंक देना चाहिए। परम विकास समदर्शी सर्व प्राणी मात्र पर करुणा भाव परम संतोषी आत्मरस पिपासु विषय रस विरक्त आत्मरस पिपासु विषय रस विरक्त होना ही भाव निग्रह पद है। पति के धान का बाहरी छिलका कटाई बिना भीतर का छिटका दूध नहीं हो सकता है, ठीक बाद में फूटे न तो जराग कोई बाहरी छिलका हटा रहे भीतरी नहीं हटा रहे तो शुद्ध चावल नहीं पा सकेगा। जो चावल होता है ना चावल उसकी फुतरी होता है ऊपर छिलका छिलका निकाले पर लाल होते ना लाल लाल कहते हैं रतार क्या कहते तुम्हारी लड़ाई वो चोखा ऊपर की लड़ाई लड़ाई को न छोड़े पुत्री को छोड़े उसको चोखा का लाभ नहीं होता। भाई वस्त्र पात्र आदि छोड़ दे कुटुम्ब छोड़ दे पर अंदर में राग की एकता बुद्धि न छोड़े तो लड़ाई तो छोड़ते नहीं वो नहीं कहू नहीं जिनका बाहरी पकड़ के त्याग बिना पराक्रम बाहर निग्रहण हुई बिना अंतरंग निग्रहण नहीं हो सकता। बाहर निग्रहण हो जावे परंतु भीतर से निग्रहण न हो अंतर में राग रहित स्वरूप की अनुभव दृष्टि न हो वितराग स्वभाव का अंदर सावधानपणे आदर न किया हो तो समदर्शी न हो आत्मानंद सिंह न हो सच्चा निग्रहण नहीं है। बाहर निग्रहण हो गया मुनि थी गया भीतर से निग्रहण न हो उन परिणाम से भिन्न पड़ के भगवान आत्मा का अनुभव न किया हो वितरागी न हो विशेष स्थिरता आदि न हो समदर्शी न हो पुण्य पाप भी एक है स्वभाव भिन्न है आत्मानंद रसिक न हो पुण्य का रसिक हो ये सच्चा निग्रंथ नहीं है। भाव निग्रंथ ही वास्तव में मोक्ष का मार्ग है, केवल व्यवहार चरित्र मोक्ष मार्ग नहीं। लो पंच महावर ने छवि मूलगुण ने नग्न प्रणाम केवल व्यवहार क्रिया कांडो की मुख्य मार्ग है नहीं। वो लोग न्याय छा व्यवहार हाथ में
જીવનારા દિગંબર જૈન ધર્મ સનાતન સ્વચ્છ પ્રવાહ આવે છે, એમાં એવા નકાર કરનારા ભોગ નીકળ્યા પણ ઓલા ઘણા મારા હા હા આવો સનાતન વિકરાગ મારે સંતો એ ફેલો કરી સ્પષ્ટ કરી ભગવાન તેરી ચીજ તો વિકલ્પ રહી થાય ને નિગ્રંથ સ્વરૂપ તેરા હૈ ને ઉસકી તેરા અનુભવ બિના સ્થિરતા કાસે હોગી અને સ્થિરતા બિના ચારિત્ર ન હોગા બહાર કી ક્રિયા કન લાભ કર બાદ પંચ પાવર પાર મુનિ હૈ નહીં સમજ મેં આયા રત્નત્રય યંત્રંગ સ્વાનુભવ રમણ રૂપ નિશ્ચય ચારિત્ર હૈ યથા શ્રીપંત ઇસી પર ચલકર જ્ઞાની મોક્ષ માર્ગ મે નગર મે પહોંચ જાતે હૈ પછી તો એની વાત કરી પણ હવે તમોતીર આ દેહ મે ભગવાન બિરાજતે એસા નક્કી કરના ચાહીએ તેરા ભગવાન તેરે થે દૂર પૂરણ ભગવાન ક્યુ હૈ દ્રષ્ટાંત દેતે હૈ લોક કાર્ય આયુ તો ના પ્રમ જામવર મજંબિયો ફોડો બિયાવરો હું જાણું સદ્રિયે દેવી મમઈ જો તૈલો અપહાણું જૈસે વડના વૃક્ષમાં બીજ ઉસકા બી સ્પષ્ટ રૂપ સે વ્યાપક હૈ અને વરુ કે બીજ મે વર વૃક્ષ કો બી જાણો બીજ માં વડ ને વડ માં બીજ મેં આયા વડ માં બીજ સ્પષ્ટ રૂપ સે પડા હૈ અને બીજ માં બી વડ સ્પષ્ટ રૂપ સે પડા હૈ તમ દેહ દેવું બી મુણી આ શરીર રૂપી વડ માં આ દેહ ભગવાન તેરા બિરાજ તે અંદર દેહ નહીં વાણી નહીં કર્મ નહીં આ પુણ્ય પાપ કા વિકલ્પ રાગ એ બી નહીં ઉસને રહી તેરી ચીજ ભગવાન દેહ દેવાલય મેં બીજ મેં જેમ વડ હૈ બીજ મેં જેમ વડ હૈ એસે પરમાત્મા પૂતિ પરમાત્મા સ્વરૂપ હૈ પરમાત્મા ભગવાન ભગવાન વસ્તુ ભગવાન નહીં હો તો પર્યાય ભગવાન કાસે હોગા વસ્તુ એ ભગવાન ન હો તો અવસ્થા એ ભગવાન કાસે કાસે આયેગા ભગવાન પણ બહાર સે આતા હૈ જેમ વર્મા જેમ બીજ માં વર પ્રગટ વડ માં બીજ જણાય તેમ દેહ માં દેવ છે જે ત્રિલોક પ્રધાન ત્રણ લોક માં પણ આ આત્મા દેવ જેવો પ્રધાન કોઈ આત્મા ને બીજો નથી કે બીજા પરમેશ્વર પણ આ દેવ ના દેવ પરમાત્મા નથી સમજાણું કઈ ત્રણ લોક માં તારો આત્મા દેવ જે પ્રધાન છે એમ કે છે ભગવાન હરિહંત ને ભગવાન દેવ તારે માટે નહીં જેમ બીજ માં વર પ્રગટ વર માં બીજ જણાય તેમ દેવ માં દેવ છે જે ત્રિલોક પ્રધાન એ દેશે શરીરમાં દેવ કો અનુભવ કરો એ શરીરમાં દેવ કા અનુભવ કરો ભગવાન આત્મા દેવ તું છો ઓ હો હો સમજ મેં આયા વસ્તુ છે ને આત્મા પદાર્થ છે ને પદાર્થ હૈ ને આત્મા પદાર્થ હૈ તો પૂર્ણ જ્ઞાન દર્શન આનંદ સે પૂર્ણ ભરા હૈ
परमात्मा जेम पर्याय में पूर्ण है आ वस्तु ये पूर्ण है पूर्ण परमात्मा को के पोते अपने को जब लग न माने तब लग उसकी दृष्टि सनक नहीं होती। समझ में आया शरीर वाला तो न मानना कर्म वाला नहीं मानना राग वाला नहीं मानना अल्प अवस्था वाला नहीं मानना अल्प अवस्था समझे पर्याय प्रकट जितनी अल्प है वो कहीं वस्तु नहीं वस्तु नहीं वस्तु एक समय में वस्तु और जो है दूसरी ने हटे मारे से लगन मारे से आ वस्तु अंदर पड़ी है ये वस्तु ये कृष्ण जी मारे से नहीं दूसरी तुम वही दूसरी से बात आमा आमा मेवाई समझाऊ गाय लगन में गाय थे समझाए ने आ लगन मांडिया के थे भाई वर छो मोटो बधा वक्त में बता वर बनावे थे कि नहीं थोड़ो वक्त जरी आई तो त्रिका त्रिलो प्रधान ત્રણ લોક માં તારો આત્મા દીર એના સિવાય દીર તારે માટે બીજો એ તે દ્રષ્ટિ ને સ્વીકાર સમજાવ કઈ રોસે ભગવાન ચડી ગયો આવો ભગવાન પૂર્ણાનંદ પ્રભુ એ હું પોતે દેવ મારો દેવ હું ત્રણ લોક માં પ્રધાન મારે માટે હું જ છું મારે માટે કોઈ બીજો ત્રણ લોક માં પ્રધાન નથી જાણો જો તીન લોક માં પ્રધાન હૈ અપના આત્મા અપને શરીર માં વ્યાપક હૈ યા હૈ ને વ્યાપક બીજમાં જેમ વર વ્યાપક હૈ ને બીજમાં વર હૈ પસરી રહ્યું છે એમ ભગવાન આત્મા આનંદ જ્ઞાન દર્શન આવે થી વ્યાપક હૈ પૂર્ણ જ્ઞાન પૂર્ણ દર્શન પૂર્ણ આનંદ પૂર્ણ સ્વચ્છતા પૂર્ણ પ્રભુતા પૂર્ણ અનેક શક્તિઓનું પિંડ ભગવાન એક સમયમાં પૂર્ણ પરમાત્મા એ વ્યાપક છે શરીર પ્રમાણ હૈ શરીર પ્રમાણ આકાર લીએ શરીર મેં હૈ શરીર પ્રમાણ આકાર પણ શરીર પ્રમાણ શરીર થી ભિન્ન અપને આકાર હૈ વર્ગ તમે વર્ગ તમે એમ પાછા દેજો વર્ગ તમે બીજ ને બીજ મેં વર્ગત વર્ગત એવું પાછો એમ કે વડ ને એમ કે પાંચ ભાષા એમ વડ મજો એમાંથી કે વર્ગત વર્ગત વડ માં બીજ ને વર્ગ મેં બીજ ને બીજ મેં વર્ગ વ્યાપક હૈ બીજમાં વડ વ્યાપક છે ને વડમાં બીજ વ્યાપક છે એવા આખા વડમાં પણ એક જ બીજ વ્યાપક છે કે મૂળ બીજ જે છે એ વેક્સિનેશન બધે વડનું ઝાડ છે ને મૂળ બીજ છે ને મૂળ બીજ જે એક આખા ઠેઠ પાંદડે ઠેઠ એના ટેકામાં હા એક જ એ બધે વ્યાપી ગયો છે ભગવાન આત્મા પોતાના આત્મામાં દેવ ભગવાન બિરાજે છે અને ભગવાનમાં પોતે આત્મા બિરાજે પોતે પોતે ભગવાન પોતે પોતે બીજ ને પોતે પોતે ભગવાન અનંત મોક્ષ કેવળ જ્ઞાન આદિનું બીજનું તો આત્મદ્રવ્ય છે સમજાય છે એમાં એ મોક્ષ ને અનંત કેવળ જ્ઞાનની પર્યાય બધી વ્યાપકતામાં પડી છે સમજાનું કઈ જે મોક્ષ દશાની અનંતી દશાઓ એ બધી આત્મામાં વ્યાપક રૂપે પડી છે તું તારો દેવ આત્મા સ્વયં ત્રણ લોકમાં મુખ પદાર્થ પરમાત્મા દેવ હૈ જ્ઞાની કો વિચારના ચાહીએ મેરે આરાધના યોગ ધ્યાન કરને યોગ મેરા આત્મા જો મારે આરાધવા યોગ શિવવા યોગ ધ્યાન કર મારો આત્મા હા એકાકાર
तब विचार करके जैसा इस मेरे शरीर का आकार है वैसा आकार मेरे आत्मिक प्रभु का है, आकार आत्मा है, पर मैं तो बिना आकार शरीर है और मेरा आकार में सब अनंत आनंद आदि बड़ा परमात्मा स्वरूप ही मैं निर्विकल्प आनंद हूँ। ऐसा धर्मी को अपना स्वरूप को आराधन करने लायक अने प्रभु अपने को मानना वही संयम दर्शन ज्ञान।